नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना। नमस्कार, और आप देख रहे हैं विजय न्यूज। मैं नीरज, अभी मैं मौजूद हूँ बीटा के पास, और बता दें कि यहाँ पर होली मिलन समारोह किया जा रहा है। हमारे साथ कुश कुमार जी मौजूद है, हम इससे बात करेंगे किस चीज को लेकर यहाँ पे योजना किया गया। ये होली इस बार की होली विशेष होली है बीटा। यह एक संदेश देना चाहता है कि कोरोना के बाद जो लोगों का आपस में मिलना जुलना खत्म हो गया था, इस होली में हम लोग कोरोना को पूरी तरह से होलिका में दहन करकर गले मिलने और भाईचारे का संदेश देंगे। जो बीटा है संदेश, ये पूरे विश्व में जाएगा। अध्यक्ष मैं सभी तमाम ग्रामवासियों से कहना चाहता हूँ कि ये जो मतभेद किए हुए हैं जाति को लेके, जाति धर्म को लेके, कभी उनकी भावना में अलग आती है, उनकी भावना में अलग आती है। अब मैं एक राजपूत समाज से बिलोंग करता हूँ, एक पंडित समाज से बिलोंग करते हैं, एक जाटो समाज से बिलोंग। मैं यही होली मिलन समारोह में आग्रह करना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि हम लोग आपसी मतभेद छोड़कर आपसी भाईचारा बनाकर और एक होली का दहन में एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले और सभी लोगों को सूचित करें कि हम लोग हैं तो होली हो रहा है। का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है होली मिलन समारोह से आपसी भाईचारा हम लोग किसी तरह से बना रहेगा, उसी से आगे भी आप लोग किसी तरह से प्रोग्राम करते रहे। फागुन के बयार अपने चरम पर है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार होली के बाद साल की शुरुआत होती है। फागुन मास के शुरू होते ही जगह जगह होली गान के साथ साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी दरमियान बिहटा बाजार में अलाइड एजेंसी के तत्वाधान में ऐसे होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जय कैंट चौबे, प्रिंस सिंह, मनीष यादव, दीपक यादव, नंदन सिंह, ब्रिजेश कुमार, विकी कुमार, धर्मेंद्र कुमार, कुंजन, संजीव कुमार, विकी कुमार आदि के सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर रिंकू सिंह एवं कुश कुमार की मौजूदगी ने एहसास दिलाया कि होली भाईचारे का उल्लास का त्यौहार है।